होल में घुस गया। ये आदमियों को भी खा जाती है। ये देखो है वाइट टाइगर यहाँ पे। ये हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं लखनऊ जू में, तो अंदर चल के देखते हैं। ये देखिए, ये देखो काले हिरण यहाँ पे। और आगे चल के देखते हैं आगे क्या है इधर। ये देखिए यहाँ पे वॉक डियर, ये बारहसिंगा है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे ये टैंक बना रखा है आगे, वहाँ पे पानी भरता है, वहाँ पीने वीने के लिए पानी है इनका। ये चौथा बाड़ा है। और यहाँ पे सुर भी अपने दादा के साथ देख रही है हिरन। यहाँ पे चिंपैंजी, तो यहाँ पे चिंपैंजी भी मिल गया हमें देखने के लिए। भाई ये बंदर जो सारे बंदर है उधर से दिखेगा। ये देखो बंदर, मुझे ये दिख रहा है स्पेशली। दो साइड है तो ये रोड है, बीच में उधर की साइड भी है देखने के लिए और इधर की साइड है, इधर भी देख सकते हैं। ये देखिए ये हिरन, ये देखो ये हिरन के बच्चे, बकरी के बच्चे की तरह है हिरन। वो खेल रहे, देखो देखो बच्चे खेल रहे, देखो 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 हिरन खेल रहे। ये पाँचवें नंबर पर, ये भी हिरन की प्रजाति है जिसे बोलते हैं कक्खड़। कक्खड़ है ये देखो, काखड़, बार्किंग डियर। स्पॉट्स वाले हिरन है जो डब्बे डब्बे वाले हैं, तो वो अंदर बैठे हैं जाके, तो वो वहाँ बैठे हैं, वो डब्बे डब्बे वाले हिरन हैं। तो एक हिरन की प्रजाति ये भी है जो छठे नंबर की है। ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, ये देखो कितना लंबा शुतुरमुर्ग है। आगे चलते हैं, आगे भालू देखते हैं, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं देखने के लिए, तो चलिए देखते हैं। भालू तो हमें दिखा नहीं, भालू अभी सो रखा है। और चलिए चल के देखते हैं बाघ। आ जाओ सभी, टाइगर देखेंगे अब। ये देखो ये टाइगर, ये देखो, ये देखो टाइगर कैसे देख रहा है सभी। ये देखो टाइगर सभी को देख रहा है। वो अपने होल में घुस गया। ये आ गया देखो बड़ा टाइगर, ये देखो टाइगर। ये देखिए भालू, ये देखो मुंह दिखा रहा अपना। ये देखो, ये देखिए भालू लकड़ी खा रहा अभी तो। ओहो ये देखो, चलिए आगे चल के देखते हैं। आगे है सारस। सारस है क्या है देखते हैं अभी। इसका नाम है वासील सारस, हवासील हिंदी में बोलते हैं हवासील। ये पानी में तैरता है, और पानी भरा है इसमें। वो देखो वो जा रहा, वो जा रहा देखो, ये देखो कैसे घूम रहा है। ये बक्कू बंदर, ये देखो हुक्कू बंदर, ये है हूलॉक, जिबॉन, ये क्या है, कछुआ, टर्टल। ये देखो पानी के अंदर, देखो बैठे हैं सब कछुआ पानी के अंदर। देखो कितने सारे कछुए हैं वहाँ है। वो देखो पानी में तैर रही है, वो पानी में तैर रही है। जंगली बिल्ली, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे तोते हैं अलग अलग प्रजाति के। सुरवी, बोल सुरवी, सुरवी। बहुत सारे उनके घर देखो ऊपर की साइड, वो लगे हैं पूरा ऊपर की साइड देखो घर हैं ऊपर मटके में, वो देखो। और यहाँ का जिराफ, ये देखिए
खाने का पतीला देखो कहाँ रखा है इतने ऊपर पेड़ पे, ये गर्दन नीचे नहीं होती, पेड़ पे रखा है देखो पतीला। तो अभी घूमते घूमते हमें हो गया करीब आधे घंटे हो गए हैं, और चलते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ चल के देखते हैं क्या क्या इधर है। और यहाँ पे आप बोटिंग का मज़ा भी ले सकते हो ज़ू में, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये शायद अंदर एक्वेरियम है, अंदर चल के देखते हैं क्या चीज़ें हैं अंदर। तो यहाँ पे एक्वेरियम है, तो यहाँ पे मछलियाँ हैं, देखो ज़ेब्रा फिश, ज़ेब्रा कलर है, ये देखो ये कैट फिश है, सबसे पुरानी मछली, और ये नर बच्ची भी होती है, आदमी को भी खा जाती है। तो ये वाली मछली है, आप इसके बारे में ये पढ़ लीजिए क्या दिखाई से। देखिए होती है अमेरिका के मूल निवासी है, मछली 10 फुट लंबी होती है, मांसाहारी होने के साथ साथ नर बच्ची भी होती है, और ये धरती की सबसे पुरानी मछलियों में से एक है, इसकी आयु 20 साल तक होती है। तो ये देख लीजिए, ये आदमी को भी खा जाती है, ये देखिए इसका मुँह देखिए कितनी खतरनाक फिश है, ये आदमी खा जाती है। टाइगर बार्ब ये फिश का नाम, और ये देखिए मछली, ओ ये देखो, ये देखो मछलियाँ, एलिगेटर फिश, इनकी खाल, और इसके बारे में पढ़े, इनकी खाल बुलेट प्रूफ होती है, कभी भी ये नरभक्षी भी हो जाते हैं। ये मछली अच्छी शिकारी और ख़तरनाक होती है, पहने दांतों के साथ लंबा मुंह घड़ियाल की तरह होता है, जिंदा और दोनों प्रकार। ये मछली वही है जो हमने नीचे देखी थी, और ये है इसकी खाल बुलेट प्रूफ होती है, बुलेट प्रूफ इसकी खाल जो होती है, बुलेट प्रूफ वाली है, देखो हमने ये नीचे भी देखा था। वी नो टाइगर शार्क, तो ये देखो सुरभि शार्क, देखो छोटी शार्क, ओ शार्क मछली, हाँ छोटी प्रजाति है देखो शार्क। तो चलिए उल्लू चल के देखते हैं यहाँ पे, ये प्रोक्यूपाइन लिखा है, इसमें से ही रहेगी, इसमें से ही कांटे वाली। ये देखो यहाँ पे उल्लू बैठा है, देखो उल्लू, वो देखो ऊपर बैठा है, देख रहे उल्लू, ये देखो उल्लू, यहाँ देखते हैं सभी, यहाँ क्या है, ये सही है, सही सब घुस रखे अंदर, ये ईगल ओवल है, ये उड़ गया भाई, सही सही, ये शाही, हाँ ये देखो सफ़ेद वाली शाही। ये थी कुछ उल्लू की प्रजातियाँ और सही की प्रजातियाँ थी यहाँ पे। तो आगे चल के और कुछ देखते हैं, आगे साइड है, ये अंदर गार्डन है, यहाँ से बैठने बैठने के लिए गार्डन है यहाँ पे। ये देखिए तोप, तो ये भी देख सकते हैं यहाँ पे राजहंस, काफ़ी कुछ है यहाँ पे देखने के लिए, जितना घूमो उतना कम है यहाँ पे। यहाँ भी आइए, यहाँ भी आप घूमिए, यहाँ भी बहुत कुछ है देखने के लिए। मैं एक दिन में सिर्फ 2 ही प्लेस घूम पाया, मैंने सोचा था 3-4 प्लेस तो मैं खैर घूम ही लूँगा, मगर मैं सिर्फ 2 प्लेस यहाँ पे घूम पाया। जैसे कि विमान है जो ये वाला है, तो मैंने भी अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है, भले ही मैंने असली नहीं दिखा हो, मगर ये नकली भी मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं समय लगा के कुछ देखना चाहते हैं तो एक दिन में एक ही चीज़ आप देख सकते हैं, या चिड़ियाघर देख सकते हैं, या बड़ा इमामबाड़ा ही देख सकते हैं, बड़ा इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा तो अगल बगल ही हैं तो वही देख सकते हैं। तो और मेरे फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो रही है, तो मैं आज रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, अगर मैं चाहूँ तब भी नहीं कर सकता हूँ, और समय भी काफ़ी हो चुका है। तो अभी यहाँ पे मतलब हर एक चीज़ की प्रॉब्लम है, अगर मैं चाहूँ भी तो नहीं घूम सकता हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन की बैटरी मेरा साथ नहीं दे रही है यहाँ पे। ये लोग भी काफ़ी थक गए हैं, सुरभि थक गई है, मेरे पिताजी थक गए हैं, सुरभि की मम्मी थक गई है, तो हम सब लोग यहाँ पे थक चुके हैं, अच्छे से थक चुके हैं। तो अभी वाइट टाइगर देख के और फिर यहाँ से निकलेंगे बाहर, आगे है बब्बर शेर, एक शेरनी और एक शेर है, शेर अभी बैठा है, मगर शेरनी अभी वो चल रही है, वो शेरनी है, ये देखो ये देखो शेरनी, ये देखो चलते हैं इधर के साथ, तेंदुआ देखते हैं, अब यहाँ पे तेंदुआ दिखेगा तो तेंदुए को भी देख लेते हैं। ओहो काफ़ी बदबू आ रही है यहाँ पे, शायद वो मांस खा रहा है अंदर बैठ के, तो ये मांस की बदबू आ रही है काफ़ी यहाँ पे। और ये देखे भेड़िया चक्कर लगा रहे हैं, सुरभि, ओ ये देखो यार ये है भेड़िया, ये देखो चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर है कैरिकल, आप इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं, जैसे कि पॉज करके पढ़ लीजिए। और ये है वो जानवर, ये देखिए मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये है क्या मुझे मालूम नहीं है, ये देखिए
और ये है देखो, ये है वाइट टाइगर यहाँ पे। ओ कितना बड़ा है वाइट टाइगर, ये बटरफ्लाई पार्क। तो यहाँ पे बटरफ्लाई पार्क भी है मगर हम देख नहीं पाए यहाँ पे क्योंकि अभी एंट्री हो गई है बंद। यहाँ पे 5 बज चुके हैं और 5 बजे के बाद यहाँ पे जाने नहीं दिया जाता है, मगर आप आना ज़रूर देखना बटरफ्लाई पार्क। बटरफ्लाई पार्क तो बंद हो चुका है, 4 बजे तक का टाइमिंग था यहाँ पे मगर वो अभी बंद हो चुका, तो मैं अभी देख नहीं पाया और मैंने पहले कभी देखा भी नहीं था बटरफ्लाई पार्क होता कैसे है, तो मेरे लिए नया था, मैं देखना चाहता था मगर देख नहीं पाया। शायद आप लोगों में से किसी ने देखा हो तो कमेंट करके बताना कि कैसा है, कैसा होता है ये बटरफ्लाई पार्क। और तो फ़िलहाल यही है यहाँ पे। तो अब लास्ट में हम करने जा रहे हैं अब ट्रेन की सवारी। तो ज़ू हमने पूरा घूम लिया, आप करेंगे ट्रेन की सवारी, तो देखते हैं कितना मज़ा इसमें आता है ट्रेन की सवारी करने में। हमने टिकट ले लिया है, पर हेड 25 रुपये हैं। स्टार्ट हो चुकी है रेलगाड़ी और चलते हैं। चलते हैं बाहर। आज के लिए बस था इतना ही, देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सुझाव तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर वीडियो आपने लाइक और शेयर नहीं कराया तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक ले।